भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि यदि पाकिस्तान को जो खजाना मिला है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार कर सकता है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी यही बोल दिया था, हु वुड नॉट लाइक टू इंप्रूव रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज आई नो द रियलिटी दैट यू कैन। बोल रहे थे कि कौन मतलब रिलेशनशिप नहीं सुधारना चाहता अपने पड़ोसी मुल्क से। हर कोई अच्छे से दोस्ती या दोस्ती में भी रहना चाहता है कि अच्छा संबंध बना रहे। इसके आगे भी उन्होंने बोला था कि मतलब जो पाकिस्तान है कि जी रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो जाएगी। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलोसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आता ताई ने आगे तुम्हारी तबाही कर दी। तुम थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। कर सकता है, करेगा। मेरी तो सरकार से दरखास्त है कि हम जो सीज फायर दिया है पाकिस्तान को, पहले तो वो खत्म करें, ठीक है साहब, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन गुड बिहेवियर। और उसके अलावा जो कि हाँ, हम अपने ही क्षेत्र में रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के काम करेंगे, हमको बिल्कुल वही करना चाहिए, फिर हमने सिर पे चढ़ा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। इन्हें पूरी दुनिया ने आइसोलेट कर दिया है। अफगानिस्तान से निकल गए, बांग्लादेश से निकल गए, नेपाल से निकल गए, मालदीप ने ठोकर मार कर निकाल दी, एक भूटान है दोस्तों, वहाँ पर इंडियन आर्मी मौजूद है अभी तक। लेकिन दुनिया से ये कट ऑफ हो गई है। और अब ये कहा जा रहा था कि कीनिया से जो इंडियन आर्मी है और इंडियन कंपनियां हैं उन्हें भी दुम दबा कर भगा दिया गया है, इनकी रस्सी जल गई है। और दूसरी तरफ देखिये पाकिस्तान में यहाँ पर तेल निकलने की बातचीत हो रही है दोस्तों। तेल की जो बात चल रही थी केकड़ा वन और केकड़ा टू की, उसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास क्रूड ऑयल निकलने वाला है। क्रूड ऑयल निकाल कर पाकिस्तान इससे काफी सारे जरे मुबादला कमा सकता है दोस्तों, कर्ज भी कम हो सकता है। इसलिए अब इंडिया से भी ऐसी बातें आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान से वो अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं।